सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे साथ गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, आज क्या क्या खबरें दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली हैं प्रदेश में? जी देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले आज मुख्यमंत्री निवास में कोल समाज का जो समुदाय है उसका एक बड़ा कार्यक्रम किया जाना है, और इस कार्यक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर मौजूद रहेंगे। पूरी तैयारियां की जा चुकी है, उनको हितग्राही लाभ वितरण भी करेंगे। बड़ी संख्या में कोल समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे, उनके पदाधिकारी हैं वह भी पहुंचेंगे, और ऐसे में सरकार कहा जाए कि कौल समाज के लोगों को लेकर के साधने की कोशिश कर रही है। वहीं 9 तारीख को कांग्रेस भी एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, कमलनाथ उस कार्यक्रम में रहेंगे और वो भी कौल समाज का कार्यक्रम रहेगा। तो इधर दूसरी तरफ कौल समाज को कांग्रेस भी साधने की कोशिश कर रही है ताकि इन दोनों का वोट बैंक हासिल किया जा सके। मध्य प्रदेश में ऐसे कौल समाज बड़ी संख्या में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि नरोत्तम मिश्रा की, तो नरोत्तम मिश्रा ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कांग्रेस में 2 डीके काफी है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि बाहर से डीके लाने की जरूरत नहीं है, ये दोनों काफी है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद नरोत्तम मिश्रा जो कि उनका प्रभार का जो जिला है इंदौर, इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री जन अभियान का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। और जो कहा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर बूथ पर अपने कार्यकर्ता तैनात करना, बूथ को मजबूत करना, इन सारी चीजों को लेकर के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं की समीक्षा के साथ साथ में उनसे बातचीत करेंगे कि वहां की क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां हैं और इनको लेकर के पूरी तैयारी किस तरह की जाना है। तो ये एक विशेष दौरा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जो कि उनका गृह जिला प्रभारी जिला भी माना जाता है, प्रभार का है उनका जिला इंदौर, तो वहां पर वो दौरे पर रहेंगे। जी जानकारियों के लिए धन्यवाद गब्बर।